सो हम लोग बात कर रहे थे रिसीविंग, मटेरियल स्टोर, इंटरनल कंट्रोल, इन सब की। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि फाइनेंस में सबको पता होने चाहिए। इवन रिसीविंग, स्टोर, परचेज, आप कुछ भी करें आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं तो आई थिंक यू शुड नो। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एक तो आपको TCS का कंसेप्ट पता होना चाहिए। TCS क्या होता है? इसे हम बोलते हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ओके, दूसरा आपको GST इनपुट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होते हैं दोनों हम आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ TCS क्या होता है। TCS मीन्स टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कंसेप्ट निकाला टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। एक्चुअली होता क्या था, पहले क्या है, बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं अपने, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो कि आप कह सकते हैं भू माफिया होता है, या फिर लकड़ी काटने वाले लोग, या फिर खदान वाले लोग जो खदानों में काम करते हैं, इतना बड़ा बड़ा, सबने गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर देखी होगी, आई नो। तो जो ऐसे ठेके होते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, हज़ारों करोड़ों के काम होते हैं, शराब का काम करते हैं, लिकर का काम जो होता है, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कितना ही प्रॉफिट होता है, बट यू नो उस पर टैक्स गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता था अच्छी तरह से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट लेकर आई टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ और उसके बेस पर हम चीज़ें समझते हैं, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स थे जहाँ पर टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ वो लोग अनऑर्गेनाइज थे, वो लोग माफियाज थे, वो लोग अपने हिसाब से काम करते थे, गवर्नमेंट उनको पकड़ नहीं सकती गाँव गाँव में जाके, कहीं पे जाके। ठीक है, तो आसान नहीं हो रहा था। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लिकर वेंडर्स, लिकर शराब ये कैसे बनती है। तो गवर्नमेंट की एक फैक्ट्री होती है, बेसिकली शुगर केन की फैक्ट्री, ठीक है, जो शुगर केन प्रोसेस करती है, फार्मर से वो शुगर केन खरीदती है और उसको प्रोसेस करके उसको उसमें से शुगर बनाती है, और नो सम ऑफ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो उसमें कुछ एक मटेरियल, या फिर यूँ कह लीजिए शुगर केन का जो जूस निकलता है, विच इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लिकर, लिकर यानी शराब बनाने की जो काम आता है, वो गवर्नमेंट नहीं बनाती, वो क्या करती है, इसको ये जो इसका आउटपुट निकलता है, वो आउटपुट जो लिकर के काम आएगा उसे बेच देती है। ठीक है, किसको बेचती है, ठेकेदारों को बेच देती है, जो भी ठेकेदार है, टेंडर निकालती है, जो बोली लगाएगा उसको, ज़्यादा सबसे हाईएस्ट बिडर को वो बेच देगी। ठीक है, तो अब ये जो ठेकेदार होते हैं इनको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर 1, 2, 3, इन तीनों ने बोली लगाई, हाईएस्ट बिडर मान लीजिए सेकंड वाला था, इसको गवर्नमेंट बेच देगी ये जो आउटपुट निकला है जिससे लिकर बनेगी। अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, ये आउटपुट को लेके जाएगा और इनके पास भट्टी होती है, अनरजिस्टर्ड, क्योंकि गांव में काम करते हैं तो अनरजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, शॉप्स होती हैं। ठीक है, गांव में ऐसे भट्टी बनी होती है जिसके अंदर वो लिकर प्रोसेस करते हैं। ओके, तो वहाँ पर लेके जाता है, वहाँ पर वो प्रोसेस करके उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं आई डोंट नो, मुझे लेकर के इतना आइडिया नहीं है। तो वो उसमें कुछ प्रोसेस करके लिकर बनाते हैं, दे क्रिएट लिकर, और फिर उसको सेल करते हैं, राइट, देन दे सेल इट, बेच देते हैं। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छा, और लिकर बना बना के बेच रहे हैं। तो इनसे टैक्स गवर्नमेंट ले ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ये क्या, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज थे, किसी को नहीं पता कौन कहाँ ले जाके क्या बना के क्या बेच रहा है, सब कैश में चल रहा था काम। इन चीज़ों को रोकने के लिए
इन चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ये कंसेप्ट लेकर आई, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, TCS। इसने क्या कहा? इसने कहा ये जो शुगर केन इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट की है, भले ही गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है, ठीक है ना, किसी की भी हो, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर जब ये इनको बेच रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, अभी सपोज कीजिए ये जो इनको जो लिकर का आउटपुट, जो ये जो भी चीज़ रॉ मटेरियल होता है, ये जो ये कॉन्ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं इनसे, लेट्स से ये इनको 100,000 रुपए में बेच रहा था, ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्टर्स को, फिर कॉन्ट्रैक्टर उसमें बना बना के लिकर बना के और उस पर प्रॉफिट कमा के उसको 100,000 रुपए कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो रॉ मटेरियल जब ये इनको बेच रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, जब ये इनको बेचेगा, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री जब कॉन्ट्रैक्टर्स को ये बेचेगी रॉ मटेरियल, तो उसी टाइम पे 100,000 रुपए में TCS भी जोड़ दे के बेचेगी ये गवर्नमेंट की कंपनी या इंडस्ट्री, ठीक है। तो उसने कहा इनको, इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप अगर ये स्पेसिफाइड गुड बेच रहे हो, क्या क्या गुड्स बेच रहे हो, जैसे कि लिकर बेच रहे हो, टिम्बर यानी लकड़ियां बेच रहे हो, तेंदू लीव्स, ठीक है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या स्क्रैप बेच रहे हो, कचरे का काम भी ऐसा ही है बिल्कुल, कचरे वाले वेंडर आते हैं, लेते हैं, तोलते हैं, कैश में लेते हैं, चले जाते हैं, फिर वो वहाँ किसको बेचते हैं, क्या करते हैं, उसकी भी इंडस्ट्री बहुत बड़ी चौड़ी, बताएंगे कभी आपको। तो उन्होंने कहा जो भी आदमी किसी को या तो लिकर बेच रहा है, या स्क्रैप बेच रहा है, या फिर टिम्बर बेच रहा है, या तेंदू लीव्स बेच रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये टेबल्स बनी हुई है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो बेचते टाइम ही जितनी भी वैल्यू में आप बेच रहे हो, वो हमें नहीं मतलब, गवर्नमेंट ने कहा हमें नहीं मतलब, आप 100,000 में बेचो, 50,000 में बेचो, आप कितने में भी बेच रहे हो, वो आपका लुकआउट है, बट उसके ऊपर 1% TCS जोड़ के बेचो, और वो 1% TCS गवर्नमेंट को जमा कराना है, ये TCS का कंसेप्ट है, समझ गए बात को। तो इस केस में अभी तक वो 100,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्टर को बेच रहा था, अब वो क्या करेगा, 101,000 में बेचेगा, क्योंकि एक लाख एक हजार में बेचेगा अब ये एक्ट आने के बाद। इसीलिए आप देखेंगे जब आप कोई भी मटेरियल रिसीव करते हैं, बिकॉज या आप रिसीविंग में हैं, परचेज में हैं, या फाइनेंस में हैं, आपके पास जब बिल आएगा, लेट्स से आपके पास लिकर वेंडर से भी बिल आता है, ठीक है, ये तो इनके लिए लगाया गया था, बट वो थ्रू आउट सब पे लग गया। अब आज मैं कहीं से भी लिकर खरीद के लाता हूँ, लेट्स से मैं होटल बिजनेस में हूँ और मैं लिकर खरीद के ला रहा हूँ बाहर से, तो वो इनवॉइस में TCS लगा के बेचते हैं लिकर वेंडर। मैं किसी से भी लिकर खरीदूंगा, वो हर आदमी उसमें 1% TCS लगा के बेचेगा। अब सबकी रेट देखो 1% नहीं है, बट ज़्यादातर की रेट 1% है, किसी की 0.5 भी है, किसी की अलग भी है, वो टेबल आपको नेट पे मिल जाएगी, हम आपको दे भी देंगे। तो वो TCS की रेट डिपेंड करता है कौन सा आइटम है, लिकर पे 1% है, स्क्रैप पे भी 1% है, ठीक है, तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए लिकर और स्क्रैप पे 1%। तो अगर आप लिकर खरीद रहे हैं तो वेंडर से जब बिल आएगा उसमें 1% नीचे TCS ऐड होके आएगा, समझ आए, ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्री स्क्रैप खरीद रही है कहीं से, तो उसमें भी आपको वो 1% स्क्रैप, 1% TCS ऐड होके आता है, क्योंकि फिर जो ये आदमी इनको बेचता है या TCS लगा रहा है जो, वो TCS फिर गवर्नमेंट को जमा कराएगा ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े। तो गवर्नमेंट ने ऐसे टैक्सेस कलेक्ट कर लिए इन लोगों से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ TCS। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे GST इनपुट।